Yes, sir, Mr. Doctor. Yes, Mr. Gunn. तो ये मेरी राह है क्या प्लैनेट्स और यानी ग्रह और नक्षत्रों में क्या रिलेशनशिप होती है यानी कितने नक्षत्रों का एक स्वामी ग्रह होता है एक ग्रह कितने नक्षत्रों का स्वामी होता है ये हमें इसमें डिस्कस करना है ठीक है इसके बारे में सबसे पहली बात है कि भाई सॉरी फ्रेंड तो जैसे हमने कि इसको लेक्चर नंबर 6 में ये डिस्कस किया था कि भाई टोटल 27 नक्षत्र होते हैं 27 नक्षत्र होते हैं 27 नक्षत्र में जो 21वां और 22वां नक्षत्र होता है उत्तर अषाढ़ और श्रवण उनके बीच में 21वां है उत्तर अषाढ़ ये है उत्तर अषाढ़ और श्रवण इन दोनों के बीच में एक नक्षत्र होता है अभिजीत नक्षत्र उसका अलग से कोई डिग्री नहीं होती वो इसी दोनों में से इन दोनों में से ही मिला के बनता है यानी इनकी ही डिग्रीज को लेके वो अभिजीत नक्षत्र बनाया गया है जिसका ज्यादा मतलब एक जो लास्ट वाला उत्तर अषाढ़ का लास्ट वाला जो पद होता है चौथा पद वो 3 डिग्री 20 मिनट और 1/15 पार्ट ऑफ दिस ठीक है 1/15 पार्ट ऑफ दिस और 4 घटी इसे बोलते 4 घटी एक घटी होती है 24 मिनट की इसलिए 4 घटी हो गई 96 मिनट की तो उनको मिला करके 96 मिनट और ये मिला के है ना इसका एक पाथ लास्ट वाला पाथ जो होता है वो मिला के यानी 6 डिग्री 40 मिनट ऑनवर्ड्स से लेकर के यानी 10 यहाँ पे है 10 साइन पास्ट 10वां वो है यानी मकर राशि के अंदर होता है मकर राशि के अंदर ही ये 3 डिग्री तो वहां से ले लिया आपने लास्ट वाला पार्ट जो होता है उत्तर अषाढ़ का ले लिया और 24 मिनट सॉरी 4 घटी और 96 मिनट इसकी ले ली तो वो इनको लेकर के अभिजीत नक्षत्र लेकिन अभिजीत नक्षत्र का सिर्फ इम्पोर्टेंस कब होता है या तो हम यूनि जब कन्वर्ट करते हैं जैसे हमने मैरिज मैचिंग में किया था तो मैरिज मैचिंग में जब किसी की मैरिज में करते हैं तो उसमें यूनि निकालनी होती है किसने यूनि में किसने जन्म लिया हो तो अभिजीत नक्षत्र वहां पर 28वां नक्षत्र बनाया जाता है मतलब ये 22nd नक्षत्र हो गया 21st के बाद 22nd 23rd ये हो गया टोटल 28 नक्षत्र बनाकर के दो दो नक्षत्रों को एक यूनि में डाला जाता है 14 यूनि होती है उन यूनि को हिसाब से अभिजीत नक्षत्र एक वो उसका इम्पोर्टेंस है दूसरा है कि भाई हम मुहूर्त निकालते हैं मुहूर्त निकालते समय अभिजीत नक्षत्र में अगर कोई पैदा होता है या उस समय का मुहूर्त होता है तो वो अच्छा माना जाता है इसलिए अभिजीत नक्षत्र का अलग से इम्पोर्टेंस मानी गई है और उसका अलग यूज है लेकिन टोटल 27 नक्षत्र ही की स्ट्रेंथ होती है यानी टोटल जो एक्सटेंट होता है टोटल डिग्री 360 में से 27 नक्षत्र को अगर 27 नक्षत्र से डिवाइड किया 360 डिग्री को तो 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र आ जाता है इस तरह से 27 नक्षत्र बनते हैं 27 नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का एक बनता है इस तरह बन के 360 डिग्री में से 27 नक्षत्र बन जाते हैं ठीक है अब आता है भाई इन नक्षत्रों का फिर के जो स्वामी होते हैं जो प्लैनेट्स होते हैं इनका क्या यूज है जैसे हम कह रहे हैं ग्रह और नक्षत्रों में संबंध ये है नक्षत्र नक्षत्र एंड प्लैनेट्स और ग्रह इनमें आपस में नक्षत्र और ग्रहों में क्या संबंध है प्लैनेट्स मीन्स ग्रह हो गए नक्षत्र मीन्स कॉन्स्टेलेशन नक्षत्र हो गए नक्षत्र और ग्रह में क्या रिलेशनशिप है आपस में ये हम डिस्कस कर रहे हैं तो एक प्लैनेट क्यों इसकी जरूरत पड़ती है क्योंकि एक नक्षत्र में जहां जिसे जन्म नक्षत्र बोलते हैं जिस जातक का जन्म जिस नक्षत्र में होता है मून जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उसको हम कहते हैं जन्म नक्षत्र किसी भी जातक का जिसका डेट ऑफ बर्थ टाइम बर्थ दिया हुआ है टाइम बर्थ के हिसाब से किसी नक्षत्र का जब जन्म होता है तो वो किस नक्षत्र में उसकी पैदाइशी है यानी उसकी पैदा किस नक्षत्र में हुई है उसको देखते हुए चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा होता है उसको देख के उसको हम कहते हैं जन्म नक्षत्र और चंद्रमा जिस राशि में बैठा होता है जन्म राशि काफी जन्म राशि क्या है चंद्रमा क्योंकि हम जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी होती है उसमें मून को यानी चंद्रमा को चंद्रमा की जो राशि होती है उसको एक इम्पोर्टेंट राशि माना जाता है उसके हिसाब से प्रोडक्शन करते हैं उसको भी लेके प्रोडक्शन करते हैं और लग्न जो होता है लग्न की राशि उसको भी लेके हम प्रोडक्शन करते हैं इस तरह से दोनों को एक अलग अलग मान करके मून के हिसाब से क्या है भाई आपकी प्रोडक्शन और लग्न को देखते हुए प्रोडक्शन क्या आ रही है दोनों को मिला के तब प्रोडक्शन किया जाता है तो इसलिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ये इम्पोर्टेंस है इसमें मून की राशि का बहुत इम्पोर्टेंस होता है ठीक है ये मून किस राशि में बैठा हुआ है क्योंकि
मून जो होता है उसको हम कहते हैं, मून को क्या कहा गया, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में वो घड़ी का मापक है, यानी उसकी हेल्प से हम जो क्लॉक होता है घड़ी घड़ी घंटा का हिसाब टाइम का हिसाब लगाते हैं, टाइम का जो प्रॉपर मेजरमेंट है वो मून होता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। ठीक है, तो चंद्रमा के हिसाब से ही को लेकर के जो टाइम निकाला जाता है, किस तिथि में पैदा हुआ, किस टाइम पर था, क्या हुआ, और चंद्रमा का टाइम बर्थ क्या था, उस समय टाइम मतलब चंद्रमा किस राशि में बैठा हुआ था, तो वो टाइम का मेजरमेंट वैदिक एस्ट्रोलॉजी में था और अभी भी है, उसी की हेल्प से मून के हिसाब से ही हम टाइम ऑफ बर्थ वगैरह निकाल के उसका टाइम पीरियड निकालते हैं, बचपन में कब पैदा हुआ आदमी और किस ग्रह की दशा उस समय थी, मेजर पीरियड जिसे कहते हैं महादशा क्या थी, जिसे वो कहते हैं बिंबसूत्री दशा, मतलब 120 साल का जो पीरियड है कहते हैं बिंबसूत्री दशा, तो उसकी बिंबसूत्री दशा में किस ग्रह की दशा उस समय चल रही थी जब जातक का जन्म हुआ उस समय, इसको निकालने के लिए नक्षत्रों की थोड़ी नॉलेज ज्यादा जरूरी है, नक्षत्र और ग्रह और राशि, इनमें राशि और नक्षत्र के बारे में पहले बता चुका हूँ, 6th वाले जो वो लेक्चर सीरीज था उसमें हमने नक्षत्र और राशियों में क्या रिलेशनशिप है, किस राशि में कितने नक्षत्र आते हैं ये हमने डिस्कस किया होगा, वैसे भी ओह सॉरी सॉरी फ्रेंड वेरी टायर्ड वेरी मच टायर्ड ओके नो प्रॉब्लम नाउ कम्स द पॉइंट। सो एक नक्षत्र सॉरी एक राशि के अंदर ढाई सॉरी दो नक्षत्र सवा दो नक्षत्र आते हैं, सवा दो नक्षत्र का मतलब एक जो तीसरा नक्षत्र होता है उसका पहला क्वार्टर यानी एक पद, चार क्वार्टर होते हैं चार पद होते हैं किसी नक्षत्र के अंदर, 3 degree 20 minute का एक नक्षत्र, एक पद दूसरा पद भी 3 degree 20 minute का, इस तरह चार पद होते हैं, चारों को अगर डिग्री ऐड की जाए तो 13 degree 20 minute आ जाता है। ठीक है, इस तरह से चार क्वार्टर या चार मैं क्वार्टर बोलता हूँ, इंग्लिश में क्वार्टर बोलते हैं, 1/4 part को क्वार्टर बोलते हैं, और यहाँ पर 3 degree 20 minute का एक क्वार्टर यानी एक पद होता है, किस पद में जन्म हुआ आपका ना, कौन सा पाद नक्षत्र का किस पाद में जन्म हुआ, तो चार चार पाद मिला करके नक्षत्र मिलते हैं। ठीक है, एक नक्षत्र के अंदर चार पाद, 27 नक्षत्रों में कितने पाद हो गए, कितने एक क्वार्टर हो गए, तो चार से मल्टीप्लाई कर 27 को तो 108 आता है। ठीक है, 4 7 जो 28 8 2 कैरी 4 2 जो 8 एंड 2 10 108 108 यानी 108, ये जो इम्पोर्टेंट नंबर है इस नंबर को लेकर के ही हमारे शास्त्रों में वैदिक शास्त्रों में 108 नंबर का बड़ा इम्पोर्टेंस है, इसकी हेल्प से 108 मनकों की एक माला होती है। ठीक है, इसे स्ट्रिंग कहते हैं इंग्लिश में और बीट्स मतलब जो मनकी होते हैं उनको बीट्स बोलते हैं, तो 108 बीट्स की एक स्ट्रिंग यानी माला होती है, उस माला को लोग घुमाते हैं पूजा करते समय, है ना, ये इंडियन और वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कंसेप्ट है, इसमें 108 नंबर का इम्पोर्टेंस इसलिए माना जाता है क्योंकि किस पाद में किसी का जन्म हुआ, मान लेते हैं कि एक फैमिली के जितने मेंबर्स हैं उनका, अब क्योंकि एक ही सेम पाद में तो जन्म नहीं होता, पता नहीं किस पद में और किस क्वार्टर में जन्म हुआ उसका, किस नक्षत्र के किस क्वार्टर में, फर्स्ट में सेकंड थर्ड फोर्थ में, किसी नक्षत्र के किस क्वार्टर में किसी जातक का जन्म हुआ, फैमिली मेंबर का जन्म हुआ है, सभी फैमिली मेंबर्स के जन्म किन किन क्वार्टर में हुए हैं, किस किस नक्षत्र के किस पद में हुए हैं, ये किसी को पता नहीं, मतलब उनको पता नहीं है, कॉमन है, इसलिए जो फैमिली मेंबर्स होते हैं एजड लोग होते हैं फैमिली मेंबर के जो सीनियर सिटीजन होते हैं, सीनियर मेंबर्स जैसे दादी होती हैं दादा होते हैं, वो लोग जब पूजा करते हैं तो उस समय 108 मनके की माला होती है, उसको घुमा करके उसके नाम लेकर ईश्वर का नाम लेकर या जिसको भी जिस ईश्वर को आप पूजा करते हैं उस ईश्वर का नाम लेकर के मन के घुमाते हैं लोग, है ना, ये तो बाकी धर्म वालों ने बाकी रिलीजन वालों ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया, वो भी मन के घुमाते हैं। ठीक है, इस तरह से माला घुमाने पर और पूजा होती है, तो उस माला में 108 नंबर क्यों लेते हैं ये इसका इम्पोर्टेंस है, क्योंकि उसको घुमा करके 108 मन के आपने घुमा दिए ईश्वर का नाम लेकर के, इसका मतलब आपने 108 जो क्वार्टर है यानी पद है इनके नक्षत्रों के उनको आपने शांत कर दिया, ईश्वर की प्रार्थना ईश्वर से करके उन मनकों की हेल्प से नक्षत्र जिस नक्षत्र के किस क्वार्टर में आपके फैमिली मेंबर का जन्म हुआ है उसके लिए आपने प्रार्थना कर दी। ठीक है, इस तरह से ईश्वर को शांत करने के लिए या उनकी पूजा अवश्य करने के लिए ये 108 मनकों का नंबर रखा गया, वो सिर्फ इसका ये इम्पोर्टेंस है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत सारी चीजें इंडियन स्क्रिप्टर्स के अंदर ली गई, आप आश्चर्य करो कि हर स्क्रिप्चर के अंदर हर पुराण के अंदर शास्त्र के अंदर कहीं न कहीं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में जिक्र किया गया है।
अब महाभारत का जन्म बोलोगे, रामायण का लोगे, रामचरितमानस या रामायण का लोगे मूर्ति जो वाल्मीकि रामायण उसके अंदर भी और महाभारत के अंदर भी मोस्टली वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत ज्यादा जिक्र होता है। वहां पर कहते हैं कि शनि इस नक्षत्र में एंटर कर गया है, इस नक्षत्र के अंदर प्रवेश हो गया है शनि का, इसलिए ये इस टाइप का रजत दे रहा है और इस टाइप के सिग्नल दिख रहे हैं, इस टाइप के आपके वो शकुन अपशकुन दिख रहे हैं। इस तरह से महाभारत में जन्म हुआ के बारे में मीन्स इसके बारे में वैदिक एस्ट्रोलॉजी में डिस्कस किया गया। इस तरह आप देखोगे जितने भी उसमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कहीं ना कहीं जरूर सबूत मिल जाता है। मैंने उनको कलेक्ट किया हुआ है, बाद में डिस्कस करूंगा महाभारत के अंदर क्या क्या कहां कहां पर किस तरह से डिस्कशन किया, उसकी हेल्प से हम प्रोडक्शन भी कर सकते हैं और प्रोडक्शन में वो हेल्प करते हैं। वो सब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में महर्षि व्यास ने जो महाभारत लिखा, जो व्यास को वन ऑफ द प्रोपेगेटर्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी बोला गया, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के जो 18 प्रोपेगेटर्स हैं या जन्म देने वाले हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कंट्रीब्यूशन देने वाले जो ऋषि हैं उनमें से व्यास ऋषि एक थे। उन्होंने व्यास ऋषि ने महर्षि व्यास ने महाभारत का को लिखा था, ठीक है, वो उसके राइटर है। इसलिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जहां तहां महाभारत में जहां तहां वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में जरूर जिक्र मिल जाता है, क्योंकि महर्षि व्यास ने ही उसका जिक्र किया हुआ है। तो महर्षि व्यास का कंट्रीब्यूशन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में है। इसलिए मैं देखता हूँ 108 जो मन के नक्षत्रों का इम्पोर्टेंस है इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, वो सिर्फ वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर ही नक्षत्रों का इम्पोर्टेंस मिलता है। इसकी वजह से प्रेडिक्शन जो प्रोसेस है वैदिक एस्ट्रोलॉजी की वो ज्यादा से ज्यादा सटीक हो जाती है। तो किस नक्षत्र में नक्षत्रों की हेल्प से ही प्रेडिक्शन ज्यादा सटीक जाता है और अच्छा होता है, प्रेडिक्शन 100% ट्रू हो जाता है। इसलिए नक्षत्रों का नॉलेज का ज्ञान और किस ग्रह का और मतलब वो स्वामी मतलब कौन सा ग्रह उस नक्षत्र का स्वामी है, तीन तीन नक्षत्र जैसे हमने देखे हुए यहाँ पर टोटल 27 नक्षत्र जैसे मैंने पहले डिस्कस किया 6th लेक्चर में, ये 9 नक्षत्र को लेकर के मैंने आपको डिस्कस किया। 9 नक्षत्र को लॉर्ड करने वाले के स्वामी जो नक्षत्र वो स्वामी प्लैनेट्स हैं या ग्रह हैं वो 1 से लेकर 9 तक ये सभी होते हैं, इसी सीरीज में आते हैं। यानी 1 से लेकर 8 तक जो पहले सॉरी 1 से लेकर 9 तक पहले जो ग्रह होते हैं सॉरी पहले नक्षत्र होते हैं उनको 9 ग्रह स्वामी होते हैं उनके एक एक प्लैनेट के इसी सीरीज में, केतु वीनस सन उसके बाद में मून, ठीक है, और मून मार्स यानी चंद्रमा चंद्र मंगल राहु, उसके बाद में गुरु जुपिटर और शनि एंड बुध, ये 9 प्लैनेट हो, ठीक है, केतु वीनस सन मून मार्स राहु जुपिटर सैटर्न और मरकरी। इस तरह से 9 प्लैनेट्स भी एक एक ग्रह को इस तरह से 9 ग्रह के कंटिन्यूसली यही प्लैनेट लॉर्ड करते हैं। फिर अगले 9 ग्रह को जैसे मैंने आपको सिर्फ चर्चा नहीं बताया था कि अगले 9 ग्रह 9 नक्षत्रों का स्वामी भी यही इसी सीरीज में और इसी वे में ये नक्षत्र ये प्लैनेट्स होते हैं। कौन कौन होते हैं? केतु वीनस सन मून मार्स राहु देन जुपिटर सैटर्न एंड मरकरी। इस तरह से 9 ग्रह और इन नक्षत्रों को 9 नक्षत्रों को इस तरह से 27 नक्षत्र को 3 पार्ट में डिवाइड करके 3-3 नक्षत्र का एक ग्रह स्वामी हुआ। तो उन 3-3 नक्षत्र को मैंने इकट्ठा साथ में लिख दिया क्योंकि इस तरह से लर्न करना आसान होता है और मतलब अच्छा होता है, इम्पोर्टेंट होता है। इसको लर्न करने के बाद में लोग याद रखते हैं कि किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ, उस नक्षत्र का स्वामी ये वाला प्लैनेट है। अच्छा, तो आपके अंदर इस टाइप की क्वालिटीज या इस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगी क्योंकि आप इस नक्षत्र के अंदर इस नक्षत्र के स्वामी के अंदर पैदा हुए या इस नक्षत्र का स्वामी ये वाला ग्रह है। शुरुआत में आपको इस नक्षत्र का सॉरी इस प्लेनेट की या इस ग्रह की दशा मिली होगी। इतने टाइम का तो डिपेंड करता है कि भाई किस डिग्री पर आपका जन्म हुआ नक्षत्र, उसमें उस नक्षत्र की किस डिग्री पर आपका चंद्रमा बैठा हुआ था यानी मून का जो डिग्री था उस नक्षत्र के अंदर क्या थी, उसकी हेल्प से टाइम पीरियड हम निकाल लेते हैं, महादशा पीरियड निकाल लेते हैं। अब यहाँ तक महादशा ये जो विमसूत्र दशा इसके बारे में जिक्र है, महादशा का बहुत इस विमसूत्र दशा का बहुत इम्पोर्टेंस है। क्या इम्पोर्टेंस है भाई, इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये है कि इसकी हेल्प से प्रेडिक्शन जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसकी हेल्प से मोस्टली जितने भी वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स हैं इस वाली विमसूत्र दशा का जरूर ध्यान रखते हैं क्योंकि इसको भी देखते हैं, बाकी और भी दशा पीरियड्स हैं, तमाम
दशा सिस्टम है, उन दशा सिस्टम जो जो कि महर्षि पारसर ने अपने उसमें दिया हुआ है, काफी दशा पीरियड के बारे में डिफाइन किया हूँ और डिस्कस किया हुआ है। उन दशा पीरियड्स को अलग अलग जातक के लिए यूज किया था, उसकी अलग अलग कंडीशन थे, वो कभी डिस्कस करेंगे यदि कभी पॉइंट आएगा। लेकिन कभी लेकिन इसके साथ मतलब ये सबसे ज्यादा मेजर दशा पीरियड होता है बिंबसोत्री दशा पीरियड निकालना। बिंबसोत दशा की हेल्प से ही प्रोडक्शन सटीक जाता है कि उसमें भाई आपकी दशा कौन सी चल रही है, बिंबसोत्री दशा क्या चल रही है, रन कर रही है और इस समय ट्रांजिट में कौन कौन से प्लैनेट चल रहे हैं और आपके आपकी कुंडली के अंदर जो आपकी हॉरोस्कोप है उसके अंदर प्रोमिसेस क्या है, क्या आपके प्लैनेट्स आपके हॉरोस्कोप में अच्छी कंडीशन में बैठे हुए हैं, क्या उन्होंने आपको कुछ प्रॉमिस किया हुआ है, प्रॉमिसिंग कंडीशन में बैठे हुए अच्छे बैठे हुए स्ट्रांग प्लैनेट्स हैं, क्या उन्हीं का पीरियड इस समय चल रहा है, जो स्ट्रांग प्लैनेट है आपकी हॉरोस्कोप में क्या उसका समय बिंबसोत्री दशा के साथ भी अब इस समय रन कर रहा है और वो प्लैनेट इस समय ट्रांजिट में यानी गोचर में कहाँ चल रहा है। ये तीन चीजें कंडीशन जरूर देखनी होती है, मतलब इनको देख करके। तो बिंबसोत्री दशा का एक इम्पोर्टेंस ये होता है कि बिंबसोत्री दशा जरूर देखी जाती है। आपकी प्रोमिस सबसे पहले तो प्रोमिस आपके हॉरोस्कोप में होनी चाहिए। अब आपके हॉरोस्कोप में प्रोमिस है कौन सी दशा प्लैनेट की चल रही है, जो खराब प्लैनेट है उसका टाइम पीरियड चल रहा है इस समय है ना, और ट्रांजिट में भी वो प्लैनेट अच्छा नहीं है इस समय और वो भी अच्छा नहीं चला, मतलब या तो नीच का है या एनिमिकल उसमें बैठा हुआ है, एनिमिकल हाउस में या एनिमिकल राशि के अंदर चल रहा है, इस तरह से वो डिसाइड करके ही प्रेडिक्शन किया जाता है। ये प्रेडिक्शन करने के लिए मैं कह रहा हूँ बिंबसोत्री दशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसकी इसके लिए ये नक्षत्रों का ज्ञान बहुत जरूरी है, नक्षत्रों के बारे में और उनके स्वामियों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसकी हेल्प से हम टाइम पीरियड निकालते हैं कि भाई इस समय आपकी दशा पीरियड क्या चल रहा है और दो टाइप की दशा पीरियड जैसे इसी नक्षत्र के अंदर किस डिग्री पर आपका जन्म हुआ और किसी भी जातक का जो बर्थ होता है बर्थ पीरियड और टाइम होता है उस टाइम के हिसाब से ये डिसाइड किया जाता है कि आप मान लीजिए किसी पर्टिकुलर नक्षत्र में जन्म हुआ सपोज और उस नक्षत्र के अंदर किस डिग्री पर हुआ। अब क्योंकि 13 degrees 20 minutes किसी भी नक्षत्र की टोटल स्ट्रेंथ होती है, टोटल एक्सटेंट होता है, टोटल मतलब 1 point से लेके 13 degrees 20 minutes का एक नक्षत्र होता है, तो इस स्ट्रेंथ के अंदर किस डिग्री पर हुआ उस डिग्री को जो मून की पोजीशन है उस पोजीशन को एंडिंग वाली डिग्री से माइनस करके जो सब्ट्रैक्शन करके जो डिफरेंस आता है जो अंतर आता है उस अंतर की उस अंतर को आप कन्वर्ट करिए किसमें मिनट्स में कन्वर्ट करिए, वो मिनट ऊपर रखिए और उसमें वो नक्षत्र का स्वामी कौन सा ग्रह है उसका पीरियड जो मेजर दशा है ये वाली कहते हैं महादशा पीरियड। तो महादशा पीरियड मान लेते हैं इसका 18 यानी राहु का पीरियड, राहु के नक्षत्र में पैदा हुआ कोई उस नक्षत्र का डिग्री जो थी उन्होंने डिफरेंस निकाली, उस डिफरेंस को मिनट्स में कन्वर्ट किया, उस मिनट्स के उसको डिफरेंस के जो मिनट्स में आया डिफरेंस मिनट्स मतलब डिग्री मिनट्स एक डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है, तो इस डिग्री को हमने मिनट में कन्वर्ट किया 60 से मैं कर दिया तो डिग्री को तो आ जाएगा और मिनट मिनट उसमें है मिनट को डिग्री में ऐड किया और सेकंड्स में उसको भी ऐड कर दिया तो टोटल मिनट्स आपके ऊपर आ गए। इसको ऊपर रखा और डिवाइड किया किससे भाग देते हैं किससे 800 मिनट से, क्यों 800 कैसे क्योंकि 13 degrees 20 minutes जो नक्षत्र की टोटल स्ट्रेंथ होती है टोटल एक्सटेंट होता है उसकी उसको हमने कन्वर्ट किया मिनट्स में तो 13 degrees into 60 किया प्लस 20 किया तो 13 into 60 कितना होता है 13 × 78 780 हो गया 780 प्लस 20 800 हो गया 800 मिनट्स टोटल आ गया ठीक है 800 मिनट्स नीचे रखते हैं इसे डिवाइड करना है क्योंकि जो टोटल वो है उसका पीरियड किसी भी प्लैनेट्स का किसी भी ग्रह का उस पीरियड को हम ऊपर रखते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं जो डिफरेंस आया था उसके मिनट से ऊपर और डिवाइड करते हैं 800 से तो ये जो टोटल ईयर्स आती बची हुई कितना ईयर्स बची यानी कितना उस नक्षत्र के अंदर कितना पीरियड बचा हुआ है जो कि उस जातक को मिलेगा स्टार्टिंग है ना, इसे कहते हैं भोग्य दशा। जो भुक्त दशा है जो जो कि प्लैनेट की दशा जा चुकी है प्लैनेट का मान लो क्वार्टर जो पद चार पद होते हैं उसमें से किसी क्वार्टर में पैदा हुआ दो पद पहले निकल गए हाफ पीरियड बचा हुआ है यानी हाफ पद बचा हुआ है दो लास्ट के बचे थर्ड एंड फोर्थ जो पद हैं या पद हैं वो बचे हुए दो क्वार्टर लास्ट के बचे हुए तो मिडिल में अगर पैदा हुआ है तो हाफ पीरियड मिलेगा ना उसका तो 400 मिनट्स ऊपर आएंगे नीचे 800 आएंगे 1.2 तो यही हो गया 1.2 यानी हाफ कर दिया
ईयर्स का मान लेते हैं 18 साल थी राहु की, 9 साल का पीरियड मिलेगा उसको स्टार्टिंग में इसी जातक को, तो उस 9 साल के पीरियड को समझिए आप, उस 9 साल का पीरियड जो है वो भोग्य दशा है, किसी वो जातक उस दशा को भोग करेगा यानी भुगतेगा, उसको उसको भुगतना है या उसको मिलेगी वो पीरियड अभी बचपन से लेके जब तक उसका जन्म हुआ उस पार्ट टाइम से लेके आगे 9 साल तक उसका पीरियड राहु का चलेगा, राहु की महादशा चलेगी। बाकी और पीरियड बीच में निकालते हैं महादशा, अंतर्दशा, तत्व दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, पांच प्रकार की दशाएं होती हैं, इसी के अंदर निकालते हैं, कैसे निकालते हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हमें मेजर पीरियड निकालना था। मेजर पीरियड जैसे 9 साल का अभी आ गया, हमने कहा मिडिल में दो क्वार्टर जो थे नक्षत्र के निकाल गए हैं, राहु वाले नक्षत्र के, मान लो स्वाति नक्षत्र था, स्वाति नक्षत्र है ये स्वाति नक्षत्र और सप्तविषज नक्षत्र, सप्तविषज स्वाति और आर्द्र, ये तीन नक्षत्र इनका स्वामी राहु होता है, आर्द्र नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र और सप्तविषज नक्षत्र, सप्तविषज इन नक्षत्र तीन नक्षत्रों का स्वामी राहु होता है, इनमें से किसी तीनों नक्षत्र में किसी एक नक्षत्र में मानो पैदा हो गया, और राशि की बात हम अभी नहीं कर रहे हैं, तो मिडिल में पैदा हो गए उस नक्षत्र के मिडिल में, यानी दो क्वार्टर निकल गए और जस्ट थर्ड क्वार्टर स्टार्ट होता है उस पीरियड उस डिग्री पर, मान लेते हैं किसी की पैदाइश हुई, नेचुरली हाफ पीरियड बचा, 9 साल का पीरियड बचा हुआ है, इसे 9 साल के पीरियड को कहते हैं भोग्य दशा, और भुक्त दशा जो भुक्त जो जा चुकी है उस पीरियड को। अब इसके लिए दूसरा आइडिया ये है भाई, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर ही, वैदिक ज्योतिष और ज्योतिष शास्त्र के अंदर जो ज्योतिष शास्त्र या वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, वैदिक शास्त्र है, वैदिक ज्योतिष है, वैदिक ज्योतिष के अंदर क्या है कि ये जो रीबर्थ का जो हुआ है, जन्म होना दूसरे उस जातक का जन्म, किसी पहले कहाँ जन्म हुआ था उसके बाद में यहाँ जन्म हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि जो विंशोति दशा थी, जो भुक्त दशा है, वो उसने वो दशा पहले पहली लाइफ में पहले उसने यूज कर लिया, उसको भुक्त दशा हो गई। वो 9 साल का जो पीरियड जैसे मैं बता रहा हूँ अभी, राहु का जो 9 साल का पीरियड बचा है वो, और जो पहले भोगा जा चुका है उसके भुक्त दशा, जो भुक्त दशा थी उसने वो पहले बर्थ में उसको यूज कर लिया, उसको मिल गई थी वो दशा, उसके पीरियड में एंड होते हुए उसका लाइफ खत्म हुई यानी उसकी डेथ हो गई, और डेथ होने के बाद में आत्मा ने यहाँ नए उसमें प्रवेश कर लिया, नए जातक के रूप में प्रवेश किया, इस तरह से जातक का जन्म हुआ। तो इस जातक का जो जन्म हो रहा है इस समय, उसने ये भोग्य दशा कहलाती है, इसी कहते हैं भोग्य दशा, जो अभी 9 साल की दशा मिली मान लेते हैं राहु की, तो वो 9 साल की दशा अभी इसको भोग्य दशा बोलते हैं, ये पीरियड को मिलेगा 9 साल का, पहले जो भोग दशा हो गई है पहले जन्म उसने यूज कर दिया था। इस तरह से ये विमुक्त दशा का पीरियड होता है, 120 साल का जो पीरियड है वो इस तरह सर्कुलेट होता रहता है, 120 साल जैसे एंड होंगे दोबारा फिर दूसरे प्लैनेट स्टार्ट हो जाएगा वहीं केतु से, केतु वीनस सन मून मार्स राहु जुपिटर सैटर्न और मरकर, इस तरह से ये 9 प्लैनेट की पीरियड कंटिन्यूसली चलता रहता सर्कुलर, ये है विमुक्त दशा का मतलब कंसेप्ट। अब आते हैं कि भाई इन नक्षत्रों का जो तीन तीन नक्षत्र हैं किस तरह से हमने ये निकाली, जैसे पहला नक्षत्र जैसे निकला था फर्स्ट से लेकर नाइन्थ तक पहले का लॉर्ड अश्विनी का केतु, भरनी का वीनस, अश्विनी भरनी कृतिका का सन एंड रोहिणी का मून चंद्रमा, अश्विनी भरनी कृतिका रोहिणी एंड मृगश्रा का मंगल, मिश्रा देन आर्द्रा राहु आर्द्रा है, देन आर्द्रा के बाद में पुनर्वसु, आर्द्रा पुनर्वसु पुष्य अश्लेष और पुष्य का यहाँ से पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि और अश्लेषा का लास्ट में मरकरी बुध, इस तरह से 9 प्लैनेट को हमने यहाँ रखा, फिर 9 इनको नक्षत्र को यहाँ रखा, फिर 9 नक्षत्र आगे वाले 10 से लेके 18 तक 9 नक्षत्र, इस तरह से उनका भी जैसे जो दशमा था मघा उसका लॉर्ड केतु, ठीक है ना, देन पूर्व फागुनी वीनस, उत्तर फागुनी शन, हस्ता मून, चित्रा मार्स, स्वाति राहु, विशाखा जुपिटर एंड अनुराधा नक्षत्र का स्वामी शनि और सैटर्न एंड आये और ज्येष्ठ नक्षत्र का स्वामी मरकरी बुध, ये इस तरह से 9 प्लैनेट आगे वाले 10 से लेकर 18 तक होगा, 19 के बाद में 19 से लेकर 27 तक फिर इनके स्वामी वही सेम प्लैनेट, हमने इनको इकट्ठा रख दिया। छठवें में हमने क्या किया था, जो 6 लेक्चर सीरीज थी उसमें डिस्कस किया था भाई किस तरह से डिग्रीज और लॉन्गिट्यूड, नक्षत्र का लॉन्गिट्यूड क्या है, एक
जीरो जीरो डिग्री से लेकर के 360 डिग्री के बीच में तभी 27 में 17 आ जाते हैं। किस तरह से 30 डिग्री 20 मिनट ऐड करते जाते हैं और वो नक्षत्र की लॉन्गिट्यूड बढ़ती जाती है, आपको 360 डिग्री तक कंप्लीट हो जाता है 27 सितंबर, ठीक है 27 नक्षत्र हो जाते हैं। वो किस राशि में पड़ते हैं, राशि का जैसे हमने साफ बताया कि दो नक्षत्र कंप्लीट और नेक्स्ट एक क्वार्टर वन क्वार्टर यानी सवा दो नक्षत्र एक राशि के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि तभी तो टोटल 12 राशियों के अंदर 27 नक्षत्र कंप्लीट हो जाएंगे, उसके अंदर समा जाएंगे, समाहित हो जाएंगे। तो समाहित होने के लिए दो नक्षत्र कंप्लीट और एक नक्षत्र का फर्स्ट क्वार्टर यानी पहला पाद 3 डिग्री 20 मिनट, वो क्यों, क्योंकि 13 डिग्री 20 मिनट 30 डिग्री 20 मिनट 26 डिग्री 40 मिनट होगी, इसमें 3 डिग्री 20 मिनट ऐड करोगे तो 30 डिग्री होगी। ये एक राशि के अंदर जो 30 डिग्री होती है उसके अंदर सवा दो नक्षत्र कंप्लीट हो जाते हैं, आ जाते हैं। इस तरह से सवा दो नक्षत्र अगर हम ऐड निकालते जाते हैं उस तरह से नक्षत्रों की संख्या हालांकि निकालते जाते हैं और सवा दो के हिसाब से टोटल 12 राशियों के अंदर 27 नक्षत्र कंप्लीट हो जाते आ जाते हैं, ठीक है ना। वो उसका निकालने का तरीका हमने आपको बता रखा है, पहले डिग्री वाइज लॉन्गिट्यूड निकाला, फिर राशि के अंदर कौन कौन सी राशि के अंदर कौन कौन सा नक्षत्र आ रहा था वो हमने डिस्कस किया था 6th वाले लेक्चर सीरीज में, तो आप प्लीज वो देख लीजिए, उसकी हेल्प से आपको काफी नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। राशि और नक्षत्रों के बारे में यानी किस किस राशि के अंदर कौन कौन से नक्षत्र आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंस है उनका बहुत ज्यादा महत्व, तो आप उसको समझिए क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके टू अंडरस्टैंड। अब वो डिग्री और लॉन्गिट्यूड निकालना है उसके हिसाब से आप देख लो, उसको जरूर अपने सामने एक टेबल बना के रखिए साथ में हमेशा, और उसकी हेल्प से जब कोई किसी का बर्थ होता है अपने डिग्री देख करके आप देख सकते हैं कि अच्छा इसका पीरियड यहाँ इस नक्षत्र के अंदर आया और ये इस राशि के अंदर होगा मून, तो मून की डिग्री देख करके हम ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं भाई जो टाइम पीरियड निकाला तीन तीन नक्षत्र को लेकर के और इसकी हेल्प से कैसे मून निकालते हैं, यानी जैसे मैंने आपको पहले वर्वली दिखा दिया बता दिया कि किस तरह से मून का जो डिग्री है टाइम के हिसाब से मून की किस डिग्री में मून पॉजिटेड है उस राशि के अंदर उस नक्षत्र के अंदर और राशि तो है ही राशि के अंदर नक्षत्र होगा और नक्षत्र की किस क्वार्टर पे अंदर किस क्वार्टर में किस पाद में मून की डिग्री क्या है और उसके हिसाब से उस नक्षत्र में टोटल जो एंडिंग उसका वो है डिग्री उस एंडिंग डिग्री में से मून की डिग्री को माइनस कर देते हैं। कैसे निकालते हैं इसका हम एक एग्जाम्पल लेंगे अभी तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नाउ कंक्लूजन नेक्स्ट पॉइंट है, अभी इन तीन तीन नक्षत्र इनके स्वामी मैं अभी यहाँ रीड करता हूँ कौन कौन से तीन तीन नक्षत्र कौन सा ये जो नक्षत्र सॉरी प्लैनेट के हिसाब से कौन सा ग्रह तीन नक्षत्रों पर का स्वामी होता है ना लॉर्डशिप होती है उस नक्षत्र की किन किन नक्षत्रों के ऊपर उस प्लैनेट की उस ग्रह की। तो जैसे केतु के कौन कौन से तीन प्लैनेट है जैसे मैंने आपको बता दिया पहला दसवां उन्नीसवां इन तीनों नक्षत्रों का स्वामी केतु होता है। नेक्स्ट सेकंड नंबर 11th नंबर उधर 20th नंबर ये 20th नंबर पूर्व अषाढ़ इसका स्वामी वीनस यानी शुक्र होता है। तो शुक्र हो गया भाई इसका मैंने हिंदी में इनके नाम लिखे हुए हैं जिससे आपको समझ में आ जाए और इंग्लिश में भी इनके नाम है यू कैन अंडरस्टैंड देम, ठीक है जिससे आपको आप दोनों में समझ में आ जाए कि वीनस को बोलते हैं शुक्र को बोलते हैं भाई। और मून ये सन मून हो गया सन सूर्य हो गया मून चंद्र हो गया है ना उसके बाद में मार्स मंगल हो गया राहु होता है राहु को हालांकि इंग्लिश में ड्रैगन्स हेड बोलते हैं ड्रैगन्स हेड ड्रैगन्स टेल बोलते हैं केतु को और ड्रैगन्स हेड बोलते हैं राहु को, ठीक है। ये राहु केतु हमारे वैदिक अस्त्र में राहु केतु कहलाते हैं, ठीक है। इंग्लिश में हमको ड्रैगन्स हेड और ड्रैगन्स टेल बोला जाता है ना कंप्यूटर। नेक्स्ट मंथ शतन को शनिश्चर और शनि इस तरह से महाभारत में नाम रखा गया शनिश्चर वाय शनिश्चर क्योंकि शनि 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 मन होता है धीरे धीरे स्लो स्लो और इसका नाम मंद भी है मंद क्योंकि सबसे ज्यादा दूर होता है प्लेनेट ये शनि जैसे एस्ट्रोनॉमिकली 100% ट्रू शनि की जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस अर्थ से बहुत दूर है इसलिए वो टोटल घूमने के लिए पूरा एक्लिप्स को घूमने के लिए है ना पूरे उसकी सॉरी जोड़े को घूमने के लिए पूरा जोड़े घूमने के लिए उसको 2.5 साल तो एक राशि को घूमने में लग जाती है एक राशि को क्रॉस करने में लेकिन 30 साल के अंदर पूरी 12 राशियों को घूम जाता है यानी अर्थ के चारों तरफ हर मूव करेगा सन के उसमें सोलर सिस्टम के अंदर तो पूरा सन पूरा ब्रह्मांड में एक साथ एक चक्कर लगाता है 30 साल के अंदर 30 ईयर्स के अंदर उसी डिग्री पर आ जाएगा जिसमें इनिशियली था यानी जैसे एरीज में
And then it is Rasi hai and Mesh Rasi ke andar 0 degree par starting mein tha. Ab wo 30 saal ke baad mein Sun usi Rasi par aa jayega. And usi Rasi par aa jayega. Yes, Mitro, to hum log discuss kar rahe hain. Ab main zara inko read karta hoon. 3-3 nakshatra ka Swami Ketu. Aur jaise har planet, jo 9 planet hamare 9 grah hain. 9 grah kin nakshatron ke Swami hote hain. उनके मैंने नाम लिखे होंगे आप जरा इसको मैं सबको पढ़ के दिखाता हूँ अश्विनी फर्स्ट नक्षत्र देन टेंथ वाला मघा और मूल मूल नक्षत्र और इसको इंग्लिश में बोलते हैं मूला नक्षत्र और मूल नक्षत्र तो हालांकि ये सभी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के नेम्स हैं क्योंकि ये इनके नाम्स इस तरह से वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में नहीं होते कॉन्स्टेलेशन इनका ये सिस्टम दिस कॉन्सेप्ट इज ओनली अवेलेबल इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी इसलिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी को समझने से इनकी इम्पोर्टेंस जानने से ही वैदिक एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शन 100% ट्रू होता है ठीक है प्रेडिक्शन का जो टेक्निक है वो सिर्फ वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पाया जाता है और बहुत ही अच्छा होता है 100% ट्रू है इनकी हेल्प से ये जो बेसिक्स हैं अगर आप इसको नहीं समझते देन यू कांट प्रेडिक्ट यू कांट अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज दिस प्रॉब्लम ओके काफी लोग इसके बारे में ज्यादा डिस्कस करते हैं आप जिन लोगों को उसके बारे में मालूम नहीं है तो मैं उनके बारे में कुछ डिस्कस नहीं करता क्योंकि वो अभी न्यूली या तो एजुकेटेड है उनको उन्होंने स्टडी नहीं किया हुआ एस्ट्रोनॉमिकली जो 100% ट्रू बातें हैं वो तो ट्रू है साइंस उसको बोलती है भाई एस्ट्रोनॉमिकली जितने प्लैनेट्स हैं उनकी कितनी डिस्टेंस है कितनी दूरी पर कितना टाइम लगाते हैं अर्थ के चारों तरफ मूव करने में या सन सोलर सिस्टम के अंदर किस तरह मूव करते हैं वो एवरीथिंग इज वेल डिफाइंड तो साइंसिफिक चीज है मतलब साइंटिफिक चीज है और साइंस पर ही बेस्ड है इसलिए आप इसको एस्ट्रोनॉमिकली बेस्ड जो एस्ट्रोलॉजी है देन एस्ट्रोलॉजिकल थिंग इज जस्ट टू प्रेडिक्ट अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट्स ऑफ द प्लैनेट्स हॉरोस्कोप में कहाँ बर्थ होता है क्या होता है और इसका ट्रुथ सिर्फ यही है कि जब प्रेडिक्शन सही जाते हैं लोग उसमें बिलीव करते हैं अब लोग ऐसे थोड़ी बिलीव कर लेते हैं भाई ये क्या है कुछ लोग जो नहीं जानते हैं वो उसमें कमी निकालते हैं दे आर जस्ट मेकिंग फन ऑफ दिस बिकॉज दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस और दे आर नॉट अंडरस्टूड दिस हेट इंडियन scriptures and other things they have their separate reasons उनके अलग कारण हो सकते हैं उनका रीजन कुछ और हो सकता है because why they hate but this is given by Vedic astrologers okay Vedic rishis maharishis and the importance of this Vedic culture or Vedic tricks or scriptures is not bearable to them वो उनको हजम नहीं होता या वो सहन नहीं कर पाते इस वजह से criticize करते हैं otherwise उनका कोई कमी निकालने का मतलब नहीं क्योंकि अब मैं देखता हूँ कि वर्ल्ड ओवर पीपल आर अंडरस्टैंडिंग दिस दे आर कमिंग क्लोजर टू दिस दे आर दे देमसेल्फ आर अंडरस्टैंडिंग दिस ठीक है वो अपने आप ही समझते हैं हर चीज पढ़ रहे हैं देख रहे हैं वो खुद प्रोडक्शन करा के ले जाते हैं वेस्टर्न कल्चर में नाउ वेस्टर्न पीपल फॉरेनर्स आर कमिंग टू इंडिया वो उन लोगों को भी इसका इम्पोर्टेंस मालूम पड़ रहा है आई हैव सीन दैट नंबर ऑफ फॉरेनर्स मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं दे आर बिलीविंग इन दिस ओके आप इसको एजिफन अब वो जो फन जो करने वाले वो इंडियंस हैं जो ओल्ड इंडियंस न्यू साइंटिस्ट आई कॉल देम न्यू साइंटिस्ट दे आर जस्ट स्टडीड फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जूलॉजी बॉटनी एंड दे अंडरस्टैंड दैट दे आर द साइंटिस्ट ऑनली बट दे स्टिल नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी रीजन इज क्योंकि उन्होंने उसको पढ़ा नहीं है समझा नहीं है उनके बारे में उनकी लाइफ अगर डिफाइन की जाती है अगर आपको एग्जैक्ट टाइम और डेट ऑफ बर्थ मालूम है उनको देन दे अंडरस्टैंड यस दिस इज ट्रू How you can say like this? So this is the problem. The problem is that people are not understanding. The reason is they are not studying it. They are not understood this. Their life is not defined. The people whose life is has been defined, they are believing in this. Most of the foreigners which I know, they have just accepted that this is true science which nobody can claim about. I mean nobody can challenge. The reason is that kind of knowledge is just available only in the Vedic scriptures. Right? नाउ कम टू द मेन पॉइंट तो हम पढ़ रहे थे तीन तीन नक्षत्र इनके स्वामी जो प्लैनेट्स हैं ये जो ग्रह हैं इन ग्रह के बारे में जानना बहुत जरूरी है जैसे मैंने कहा था कि बिंसोती दशा निकाल करके ही लोगों के लाइफ के बारे में प्रेडिक्शन करते हैं दशा पीरियड कौन चल रहा है आपका इसकी इम्पोर्टेंस भी है क्योंकि इसको निकाल के तब पीरियड निकालते हैं कि इस समय जन्म के टाइम पर आपका पीरियड क्या था इस समय क्या पीरियड चल रहा है तो जो डिफरेंट पीरियड्स निकालते हैं महादशा निकलती है यहाँ से उसके बाद इसकी अंतरदशा कैसे निकालते हैं अंतरदशा प्रतिनिध दशा सूक्ष्म दशा प्राण दशा ये पांच टाइप की दशाएं होती हैं महादशा अंतर प्रतिनिध सूक्ष्म और प्राण दशा ये पांच दशाएं जो निकाल करके मिनट तक पहुंच जाते हैं इतने मिनट के अंदर आपका पांच काम हो जाएगा ऑन दैट पर्टिकुलर डे इन मंथ्स ईयर्स मंथ्स
डेज एंड मिनट्स, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं टाइम पीरियड। तो वो जो पांच पीरियड से कैसे निकालते हैं, पहले महादशा निकालना सीखिए, मेजर पीरियड है विमसुक्ति दशा पीरियड, इसको निकालने के लिए नक्षत्रों का ज्ञान बहुत जरूरी है। तो ये इसके बारे में हमने ये डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। सेवंथ लेक्चर सीरीज है, ये हिंदी वर्जन है इसका, हिंदी वर्जन हिंदी वर्जन, नक्षत्र एंड प्लैनेट्स और ग्रह, नक्षत्र और ग्रह एंड प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स ग्रह, ग्रह कौन से ग्रह की क्या टाइम पीरियड, ये जो टोटल 127 ईयर का टाइम है, 120 ईयर्स का जो टाइम है, जिसे विमसुक्ति दशा बोलते हैं, विमसुक्ति दशा। और इस विमसुक्ति दशा में ये जो पीरियड है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, केतु और मंगल और मार्स इन दोनों का टाइम पीरियड 7-7 साल का है। सबसे कम सन को दिया गया 6 साल का, 20 साल का सबसे ज्यादा अधिक वीनस को दिया गया, शुक्र का पीरियड 20 साल का होता है। 19 नेक्स्ट सेकंड नंबर है शनि का, शनि 19 साल के लिए महादशा होती है। 18 साल थर्ड नंबर है राहु का, राहु को 18 साल होती है, 18 साल में पूरा मानी उसका सर्कल हो जाता है कम्प्लीट, एक राशि को घूमने में थोड़ी पूरा जोड़े घूमने में, 12 राशियों को घूमने में 18 साल लगती है राहु को। यानी जो सेंसिटिव पॉइंट होते हैं राहु केतु अक्षी जब आती है, वो सेंसिटिव पॉइंट ग्रह नहीं होते वो, बट वो जो अमावस्या पूर्णमासी कब होती है वो उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन 18 साल लगती है राहु को, राहु पीरियड, और 7 ईयर्स है, 7 महादशा मिली है केतु को, है ना, 7 ईयर्स केतु की है, 18 साल राहु की, और थर्ड मेजर पीरियड था राहु का। ये जो मेजर पीरियड कैसे निकाला है ऋषियों ने, वो इसके बारे में डिस्कस हम बाद में करेंगे, बट दिस टाइम पीरियड इज अलॉटेड टू डिफरेंट प्लैनेट्स। इन ग्रहों को इस तरह से टाइम पीरियड दिया गया, ये आपको सिर्फ याद करना है। याद करने के बाद में आप जब ध्यान देते हैं कि भाई ये सिर्फ कब होता है, विमसुक्ति दशा निकालने के लिए, जन्म किस जातक का, जन्म किस टाइम पर हुआ, किस डिग्री में हुआ, मून किस डिग्री में बैठा हुआ, तो किस नक्षत्र में, तो उसकी हेल्प हम निकालते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट, तो ये डिफरेंट पीरियड में कह रहा है, थर्ड राहु मेजर पीरियड के हिसाब से तीसरे नंबर पर राहु होता है 18 साल के लिए, 17 साल बुध को होती है चौथे नंबर पर, पांचवें नंबर पर 16 साल के लिए जुपिटर गुरु होता है, ठीक है ना, 16 साल के लिए जुपिटर, ये हो गया पांचवा नंबर। छठवां नंबर है 10 साल का चंद्रमा को 10 साल दी गई, फिर ये हो गया सातवां, आठवां छठवां था आठवां नंबर, यस 7-7 साल, या तो मंगल को 7 साल, केतु को 7 साल, इन दोनों को मान लीजिए, तो 8 सॉरी ये 7 और 8 हो गया, 9th सन हो गया जिसको 6 साल कम से कम दिए गए। इस तरह से हम पीरियड के हिसाब से भी देख सकते हैं कि मेजर पीरियड सबसे ज्यादा किसको दिया गया है, सेकंड नंबर कौन है, थर्ड नंबर, इस तरह से भी याद रखते हैं बहुत से लोग। लेकिन आपको सिर्फ याद रखना है इस तरह से, इस सीरीज में KBS चंद्र मंगल राहु, है ना, चंद्र मंगल राहु, और उसके बाद में गुरु शनि बुध, गुरु शनि बुध 9 प्लेनेट हो गए। ये सी वे में याद रखना है, जिससे कि आपको नक्षत्रों का नॉलेज हो, नक्षत्रों की नॉलेज के हिसाब से नक्षत्रों की आप याद कर लीजिए, एक से 27 तक नौ पार्ट में डिवाइड करिए, फिर तीन नक्षत्र को एक ग्रह के अंदर सुपुर्द कर दीजिए, क्योंकि ये ऐसा उसमें दिया हुआ। अब आते हैं हम नक्षत्रों की, ये तीन नक्षत्र अश्विनी मखा मूल, ये केतु नक्षत्र का स्वामी होता है, 7 साल के लिए केतु का महापीरियड होता है। इन तीन नक्षत्रों में से किसी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ तो आपको सबसे पहले केतु की महादशा मिलेगी, उस समय कितना कौन सी दशा वो बाद में निकालेंगे एक एग्जाम्पल लेके समझाओगे, लेकिन इसमें इन तीन नक्षत्रों में से जिसमें भी जन्म हुआ है शुरुआत में आपको केतु की महादशा मिली होगी, ठीक है। इसलिए से कहते हैं आपका जन्म नक्षत्र कौन सा हुआ, ये केतु का नक्षत्र हुआ, केतु उसका स्वामी था। सेकेंड नंबर भरणी, पूर्व फागुनी एंड पूर्व आषाढ़, पूर्व फागुनी, पूर्व आषाढ़ और भरणी, इन तीनों का स्वामी वीनस शनि शुक्र होता है, ठीक है। इसको 20 साल का पीरियड मिला हुआ, तो 20 साल में से कितना पीरियड स्टार्ट में मिला उस जातक को जन्म लेते समय, वो निकालना पड़ता है। इस तरह से किस तीनों नक्षत्र में से किस नक्षत्र में आपको पैदा हुआ है, भरणी में या पूर्व फागुनी या पूर्व आषाढ़, इनमें से किसी एक में हुआ है आपका जन्म या जिसका भी, तो उसको टाइम पीरियड थ्रू में वीनस का शुक्र का मिला होगा, मिलेगा कितना मिलेगा वो निकालने का टेक्निक मैंने आपको अभी बताया, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल लेके बताऊंगा अभी। फिर आते हैं थर्ड नंबर सूर्य, सन का कौन कौन से नक्षत्र है, कृतिका नक्षत्र, उत्तर फागुनी, उत्तर आषाढ़, ये उत्तर दोनों है, और इधर कृतिका नक्षत्र थर्ड नंबर कृतिका नक्षत्र, और उत्तर फागुनी एंड उत्तर आषाढ़ 12th नंबर और 21st नंबर, उत्तर आषाढ़ 21st
ट्वेल्थ नंबर उत्तर फागुनी और थर्ड नंबर कृतिका नक्षत्र, ये तीन नक्षत्र का स्वामी सूर्य होता है, सन होता है, छह साल का सन होता है, इसलिए छह पीरियड छह साल दी गई है, इनमें से कितना टाइम पीरियड उसमें मेरा जातक हो। लेकिन जब आपने वो निकाल लिया, भोग की दशा निकाल ली कि इस जातक को इतना पीरियड मिलेगा, छह साल में से मान लेते हैं आपको चार साल मिल गए, ठीक है, चार साल, छह साल में से दो साल आपने हटा दी, चार साल मिल जाती है स्टार्ट में, मान लेते हैं सन की मिल गई, उसके बाद कौन सा पीरियड मिलेगा, सन के बाद में फिर आता है मून, दस साल के लिए मून आएगा, फिर पूरा पूरा पीरियड सब पेरेंट का आगे वालों का मिलेगा, दस साल के लिए फिर मून आएगा, फिर सात साल के लिए मंगल आएगा, जैसे मून का पीरियड खत्म होगा उस पीरियड में क्या क्या घटनाएं होती हैं वो आपको प्रोडक्शन में आ जाती हैं कि भाई मून का साथ पीरियड चल रहा है, आपका महादशा उसके अंदर ये प्लेनेट आ रहे हैं, उनकी महादशा और अंतर सदा ये वाली है, इसके हिसाब से फिर दिन मंगल को सात साल मिलेंगे, मंगल की सात साल आपको, राहु की सात 18 साल, ये पूरी पूरी पीरियड मिलेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में कितना पीरियड मिला उस प्लेनेट का, ये निकालना इम्पोर्टेंट होता है। इसको निकालने के लिए यह सब चीजें आपको याद करनी होती है, क्योंकि मून का जो डिग्री है किस नक्षत्र के अंदर कब पैदा हुआ वो आदमी उसकी महादशा स्टार्टिंग में निकालना इम्पोर्टेंट है। स्टार्टिंग में निकालने के लिए यह सब चीजें आपको स्टडी करनी पड़ती हैं, है ना, किस महा किस प्लैनेट की किस ग्रह की दशा उसमें चल रही थी, उसकी भोग दशा कितनी मिल गई उसको, और उसमें स्टार्टिंग में पीरियड कितना मिला, उसके बाद में फिर आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि प्रथम मून की पूरा पूरा पीरियड मिला, मतलब बाकी पीरियड का सब पूरा पूरा पीरियड मिलेगा, लेकिन उस समय कितना पीरियड मिला, भोग दशा कितनी मिली वो इम्पोर्टेंट है। उसको निकालने में अगर मिस्टेक हो जाती है तो पूरा प्रेडिक्शन गलत हो जाता है, इसलिए इसको निकालना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको बताएंगे, एक एग्जाम्पल लेकर के आपको डिस्कस करेंगे, तो तब आपको समझ आ जाएगा कि इस तरह से डिग्री निकालते हैं। डिग्री वाइज अगर आपको एग्जैक्ट मालूम है तो मून का जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड के हिसाब से मून किस डिग्री में स्टार्टिंग में था जन्म के समय पर, तो वो अगर आपका सही एग्जैक्ट है तो टाइम पीरियड महादशा यानी बिंब दशा अच्छी तरह निकाल सकते हैं, उसके साथ ही फिर आपका पीरियड सही जाएगा, करेक्ट 100% प्रूफ प्रोडक्शन से जाएंगे। कम टू द पॉइंट, फोर्थ होन रोहिणी, मून इसका स्वामी होता है चंद्रमा, रोहिणी हस्त और श्रवण, श्रवण नक्षत्र, हस्त नक्षत्र 13th होन, हस्त नक्षत्र 13th होन है, और चौथा नक्षत्र रोहिणी 13, 4, 13 और 22वां श्रवण नक्षत्र, इनका स्वामी चंद्रमा होता है, चंद्र मून होता है ना, मून श्रवण नक्षत्र का स्वामी श्रवण, तो ये हो गया। और श्रवण ऐसे लिख सकते हैं, ये श और नीचे धार में अलते श्रवण नक्षत्र, ओके नो प्रॉब्लम, श्रवण नक्षत्र हो गया ये मून, ठीक है ना, इसका स्वामी मून होता है इन तीनों का। अब आते हैं फिर मंगल किन नक्षत्र का, मृगशरा, सॉरी पांचवा नंबर है मृगशरा नक्षत्र, मृगशरा नक्षत्र का स्वामी मंगल होता है, मृगशरा चित्र और धनिष्ठा, चित्र नक्षत्र धनिष्ठा और मृगशरा इन तीनों का स्वामी मंगल होता है, मंगल, ठीक है, मार्स हो गए। अब आते हैं जी मृगशरा के बाद में छठवां नंबर है आर्द्रा नक्षत्र, यह राहु इसका स्वामी है, स्वाति नक्षत्र और शत विसर्जन नक्षत्र और शत विश्राम नक्षत्र, शत विसर्जन नक्षत्र जो की 24वें नंबर पर शत विसर्जन है, 15वां नंबर स्वाति नक्षत्र और 6th नंबर आर्द्र नक्षत्र, इन तीनों का स्वामी राहु होता है। इस तरह तीन तीन की कैटेगरी में भी लोग याद रखते हैं, या टोटल 27 याद रख लीजिए, बाद में आप काउंट करके बता सकते हैं भाई ये इस नंबर पे आ रहा है, इसका मतलब ये यहाँ आता है, इसका स्वामी राहु होगा। इस तरह से आप इन तीनों नक्षत्रों में से किस नक्षत्र में, आर्द्र में, स्वाति में या शुक्र विसर्जन में किसका जन्म हुआ है उस जातक का, उसके हिसाब से हम राहु का पीरियड निकालेंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि आप राहु के नक्षत्र में पैदा हुए या वो नक्षत्र वो जातक पैदा हुआ उस जातक का स्टार्टिंग का जो भोग पीरियड है वो निकालेंगे, ठीक है। आर्द्र हो गया, आर्द्र स्वाति एंड शुक्र विसर्जन स्वामी राहु, 18 साल के लिए राहु होता है। देन पुनर्वसु नक्षत्र, पुनर्वसु कौन सा भाई, 7th होन, पुनर्वसु विशाखा और पूर्व भाद्रपद, पूर्व भाद्रपद विशाखा और ये पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी गुरु जुपिटर होता है ना, बृहस्पति, बृहस्पति गुरु को बृहस्पति कहते हैं, गुरु भी बोलते हैं हिंदी में संस्कृत में, तो बृहस्पति और गुरु जुपिटर, ठीक है, इसका स्वामी होता है। 16 साल के लिए जुपिटर का पीरियड होता है। स्टार्टिंग में जुपिटर का पीरियड कितना मिला आपको ये निकालने के लिए, ये मादशा आपको ये नक्षत्र याद रखनी है। देन आफ्टर पुनर्वसु पुष्य, 8वां नंबर पुष्य नक्षत्र, आर्द्रा सॉरी अनुराधा नक्षत्र, पुष्य अनुराधा नक्षत्र अनुराधा और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र और पुष्य नक्षत्र, ये तीनों का स्वामी शनि होता है, सैटर्न,
संयुक्त फिर 19 साल के लिए होता है, स्टार्टिंग कितना पीरियड मिला, क्या मिला, नक्षत्र के हिसाब से, नक्षत्र की डिग्री के हिसाब से हम पीरियड निकाले थे वो बताएंगे, लेकिन ये तीनों नक्षत्रों का स्वामी शनि होता है और इसका पीरियड 19 साल के लिए, जैसे मैंने पहले बता रखा है आपको। अब आते हैं लास्ट वाले, अश्लेषा नक्षत्र, अश्लेषा 9th वन, 18वां नक्षत्र और 27th नक्षत्र। 18वां कौन सा भाई, ज्येष्ठा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र, 9th अश्लेषा, 18वां ज्येष्ठा, 27वां रेवती नक्षत्र। इन तीनों का स्वामी मरकरी यानी बुध होता है। इस तरह से इन तीनों नक्षत्रों में से किस नक्षत्र में जन्म हुआ तो आपको बुध का पीरियड स्टार्ट मिल जाएगा। नक्षत्र की अलग क्वालिटीज होती है, उनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। नक्षत्रों को जानना भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनका स्वामी के हिसाब से भी करेक्टर्स बताई जाती है और नक्षत्र की अपनी अलग से क्वालिटीज है उसकी, उनको भी समझना जरूरी है कि भाई इस नक्षत्र में आप पैदा हुए, उस क्वार्टर में पैदा हुए, क्वार्टर के हिसाब से भी रिजल्ट दिए गए, यानी फर्स्ट क्वार्टर में पैदा हुए इस नक्षत्र के फर्स्ट क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में, फोर्थ क्वार्टर में, है ना, क्योंकि वो क्वार्टर जो है किस राशि में पड़ता है, अगर पूरा पूरा नक्षत्र उसी राशि में एक ही में पड़ जाता है, क्योंकि क्या होता है कि ओनली एक क्वार्टर एक राशि के अंदर पड़ा लास्ट में, बाकी जो थ्री क्वार्टर है वो नेक्स्ट राशि में पहुंच गए, उसके हिसाब से उसकी करेक्टर चेंज हो जाती है। कभी क्या होता है कि आधा नक्षत्र यानी दो क्वार्टर एक राशि के अंदर रह गए और बाकी दो नेक्स्ट क्वार्टर थर्ड और फोर्थ क्वार्टर एक नक्षत्र का अगली राशि में पहुंच गए, तो राशि के हिसाब से उसकी करेक्टर चेंज हो जाती है नक्षत्र के अंदर। नक्षत्र पृष्ठ क्वार्टर में कोई जातक पैदा हुआ है तो उस जातक की जो करेक्टरिस्टिक्स है उस नक्षत्र के हिसाब से, उस राशि के हिसाब से और कौन स्वामी है उसका, ये तीनों को देखते ही करेक्टरिस्टिक चेंज हो जाती है। और इस तरह से नक्षत्रों को डिफाइन किया गया, उनकी करेक्टरिस्टिक बताई गई। ठीक है, ये हो गया जी आपका इसके बारे में नक्षत्रों के, तीन तीन नक्षत्रों के बारे में हमने बताया, तो इन तीन तीन नक्षत्रों को लेके आप ये बता सकते हैं। अब आते हम, सपोज करो आपका किसी, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेकर के आप समझोगे किस तरह से नक्षत्र की हेल्प से हम भोग की दशा निकालते हैं, जो आगे नक्षत्र उसको जातक को पीरियड मिलेगा। मान लेते हैं, अब हम लेते हैं, लेट मी टेक किसी प्लैनेट का लेते हैं, अब लेते हैं सॉरी 9th राशि, 9th राशि मतलब 8वां जो नक्षत्र है, सॉरी टोटल नक्षत्र हमारे कितने हो गए, 18 हो गए, तो 19वां नक्षत्र है, 19th नक्षत्र की मूल नक्षत्र है, मूल नक्षत्र हुआ। उसके बाद में आता है पूर्व आषाढ़ नक्षत्र, मतलब पूर्व आषाढ़ नक्षत्र की बात करते हैं, पूर्व आषाढ़ नक्षत्र। अब पूर्व आषाढ़ नक्षत्र ये जो मूल नक्षत्र है वो 19वां नक्षत्र है, मूल नक्षत्र। ये कहाँ पड़ेगा भाई, ये सजिटेरियस साइन के अंदर पड़ेगा, सजिटेरियस साइन में, क्योंकि सजिटेरियस साइन में 8 साइन पास्ट, क्योंकि ये चार चार राशियां नौ नौ नक्षत्र को कंप्लीट कर जाती है, चार राशियों में नौ नक्षत्र कंप्लीट लिया आ जाते हैं, फिर अगली चार में चार नक्षत्र पूरे आ गए, सॉरी नौ नक्षत्र पूरे आ गए चार राशियों में, इस तरह 8 राशि कंप्लीट हो गई। अब जो नवी राशि है धनु राशि, धनु राशि के अंदर जो 19वां नक्षत्र है उसकी डिग्री काउंट हुई, उसके अंदर डिग्री स्टार्ट होगी कितने से, 8 साइन पास्ट। मैं एग्जाम पे रहा हूं, लेट मून, मून का पॉजिटिव है और जो मून की डिग्री है इज पॉजिटिव और इज प्लेस्ड एट डिग्री, ये मून स्थिति के बाद में सेकंड नक्षत्र ये 13 डिग्री 20 मिनट स्टार्टिंग में, मून की सजिटेरियस में आ गई 13 डिग्री 20 मिनट, नेक्स्ट 13 डिग्री 20 मिनट, ये मान लेते हैं 20 डिग्री, मैं मान लेता हूं 20 डिग्री, लेट इट टेक ये 20 डिग्री 20 मिनट, ठीक है, 8 साइन पास्ट ये हमने लिया, 8 साइन पास्ट 20 डिग्री 20 मिनट, क्या मतलब है इसका कि मून आपका 8 साइन पास्ट यानी धनु राशि के अंदर है, 8 साइन पास्ट हो गए, आठवीं राशि कंप्लीट हो जाती है 8 साइन पास्ट 20 डिग्री 20 मिनट, इस डिग्री पर मून आपका बैठा हुआ है। अब हमने इसको देखा ये कहां होगा भाई, इसमें पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में आ गया, कैसे कैसे पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में आ गया, क्योंकि ये जो नवी राशि स्टार्ट हुई, नवी राशि स्टार्ट हो रही है यहाँ से 00 डिग्री से लेके 8 साइन पास्ट 0 डिग्री 00 डिग्री 00 मिनट से लेके 8 साइन पास्ट 13 डिग्री 20 मिनट,
हम 30 डिग्री 20 मिनट क्योंकि एक नक्षत्र की कितनी होती है 30 डिग्री 20 मिनट तो मूल नक्षत्र पूरा पूरा 8 साइन पास 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री 20 मिनट तक हो गया अब नेक्स्ट 30 डिग्री 20 मिनट अगले नक्षत्र को दी जाएंगे तो ये पूर्वाषाढ़ नक्षत्र है इसकी जो 30 डिग्री 20 मिनट है वो कहां तक कंप्लीट हो गई 13 डिग्री 20 मिनट पहली वाली और 13 डिग्री 20 मिनट ये 26 डिग्री 40 मिनट तक जाता है यानी 8 साइन पास्ट 20 8 साइन पास्ट 26 डिग्री 40 मिनट ये कहां से स्टार्ट हुआ ये 8 साइन पास्ट 13 डिग्री 20 मिनट 8 साइन पास्ट 20 डिग्री 30 डिग्री 20 मिनट 8 साइन पास्ट 30 डिग्री 20 मिनट से लेके 8 साइन पास्ट 26 डिग्री 40 मिनट यहां तक 30 डिग्री 20 मिनट से आगे 8 साइन पास्ट 26 डिग्री 40 मिनट तक ये पूर्व आषाढ़ नक्षत्र था इन बिटवीन 8 साइन पास्ट 30 डिग्री 20 मिनट से लेके 8 साइन पास्ट 26 डिग्री 40 मिनट तक समझ गया इसका मतलब 26 डिग्री 40 मिनट ये जो एंडिंग डिग्री है पूर्व आषाढ़ नक्षत्र की 8 साइन पास्ट 26 डिग्री 40 मिनट में से आपको माइनस करना है 8 साइन पास्ट 20 डिग्री 20 मिनट क्योंकि हमारा जो मून है यानी जातक जो भी है वो जातक का जन्म हुआ है 8 साइन पास्ट 20 डिग्री 20 मिनट के ऊपर मून पॉजिटेड इज मून इज प्लेस्ड एट 8 साइन पास्ट 20 डिग्री 20 मिनट तो इसका मतलब 8 साइन पास्ट 20 डिग्री 20 मिनट ये जो डिग्री है और ये लॉन्गिट्यूड है उसका मून का ये आपकी जो एंडिंग पीरियड है इस नक्षत्र का अब इसका मतलब ये नक्षत्र कहां पड़ रहा है पूर्व आषाढ़ नक्षत्र के अंदर तो पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में 20 डिग्री 20 मिनट पर 8 साइन पास्ट 20 डिग्री 20 मिनट पर मून था इसका मतलब आगे की जो डिग्री है इस नक्षत्र के अंदर इस नक्षत्र की एंडिंग डिग्री क्या है आगे वाली डिग्री वो 8 साइन पास्ट 26 डिग्री 40 मिनट है इसमें से आप इसको माइनस करोगे माइनस कर देते हैं इसको हमने माइनस किया 8 साइन पास्ट 20 डिग्री 20 मिनट माइनस कर दिया इसमें से 8 साइन पास्ट 26 डिग्री 40 मिनट में से 8 साइन पास्ट 20 डिग्री 20 मिनट को माइनस किया तो कितना आ गया ये 20 मिनट हो गए और यहां से बचा 6 डिग्री तो 6 डिग्री 20 मिनट सिर्फ बची 6 डिग्री 20 मिनट का पीरियड पूर्व आषाढ़ का ये डिग्री इस जातक को मिली जो कि इसको भोगनी है मतलब इसको ये डिग्री का पीरियड अभी मिलेगा लेकिन इस डिग्री को आप मिनट में कन्वर्ट करोगे जो मिनट आएंगे उस मिनट को आप रखेंगे न्यूमिरेटर में अंश के अंदर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 से क्योंकि 20 साल का पीरियड है ये क्योंकि इस नक्षत्र का स्वामी कौन है वीनस शुक्र शुक्र का पीरियड कितना 20 साल तो 20 साल को इससे मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे 30 डिग्री 20 मिनट से मैं लिख देता हूं 20 × 6 डिग्री 20 मिनट डिवाइड बाई 13 डिग्री 20 मिनट क्या मतलब है ये इससे आपका पीरियड आ जाएगा भोग्य दशा आ जाएगी जो उस जातक को मिलेगी जन्म की बात ये पीरियड अब इसको हमें कन्वर्ट करना भाई मिनट्स में क्योंकि आप 6 डिग्री 20 मिनट इसको किससे डिवाइड करें तो इसको आप मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए ऊपर नीचे मिनट में कर लीजिए फिर 20 में से 20 साल में से कितना साल वीनस की शुक्र की इस जातक को स्टार्ट में मिलेगा वो देखिए तो हम 6 डिग्री 20 मिनट को कन्वर्ट करते हैं 6 × 60 + 20 6 × 36 360 + 20 380 हो गया भाई 380 मिनट आ गए 380 मिनट ऊपर आ जाएंगे तो 380 मिनट हमने ऊपर रख दी 380 मिनट तो योगा 20 × 380 / 800 क्योंकि मैंने बताया आपको 800 मिनट नीचे है 13 डिग्री 20 मिनट को कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में तो 20 मिनट्स तो ही 13 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करोगे 13 × 60 कर दीजिए 60 से इसको मैं पे कर दिए 13 को 13 × 60 कितना होता है 780 को 13 × 78 780 हो गया 780 + 20 कितना हुआ 800 नीचे 800 आ गया आप इसको कैंसिल कर दीजिए यहाँ से जो भी पीरियड आए हो 0 0 एक पॉइंट यहाँ लगाएंगे आप 8 का ये 0 हट गया 0 कैंसिल आउट हो गए तो
अब 8 से 4 से डिवाइड कर दिए 4 की जा 8 4 5 जा 20 5 से पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए 3.8 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3.8 को 5 से फिर 2 से डिवाइड कर देंगे फाइनली तो ये इसमें कन्वर्ट करेंगे फिर इसको तो 5 8 जा 40 0 4 10 5 3 जा 15 15 एंड 4 19 19 अपॉन 2 ठीक है 3.8 इनटू 5 किया हमने 5 को लिखते तो 10 अपॉन 2 तो 38 बटे 2 हो गया 38 बटे 2 का मतलब 19 था बचा 19 ही तो बचा ऊपर 19 19 अपॉन 2 यानी 8.5 8.5 साढ़े 8 साल साढ़े 8 साल का मतलब हुआ 8.5 हो गया जी सॉरी 9.5 हम सॉरी 9 दिन 18 नॉट 8.5 पर 9.5 9.5 9 दिन 18 और एक का था 0.5 9.5 आया भाई 9.5 का मतलब ये हमारा 9.5 9 ईयर्स कंप्लीट मिलेंगे इसको और 0.5 मतलब 12 महीने 12 पंजे 60 6 महीने और मिल जाएंगे ये पॉइंट में जो वैल्यू आती है पॉइंट की उसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं तो वो मंथ में कन्वर्ट हो जाएगा ईयर्स 9 मिलेंगे 9 ईयर्स ये हो गया 9 ईयर्स ओके एंड 0.5 इनटू 12 12 पंजे 60 6.0 यानी इतने मंथ 6 महीने तो 9 साल 9 ईयर्स एंड 6 मंथ ट्राई टू अंडरस्टैंड पूरे पूरे मंथ्स आ गए अगर अभी भी पॉइंट में आता जो पॉइंट से पहले जो पहले आ जाता है जो कंप्लीट नंबर होता है वो मंथ होता है पॉइंट के बाद में अगर वैल्यू कुछ बचती तो उसको फिर किसे मल्टीप्लाई करते 30 से क्योंकि दिन में कन्वर्ट करना है उसको 30 से मल्टीप्लाई करते तो 30 इनटू दैट पॉइंट वाली जो वैल्यू बचती उसको 30 से मल्टीप्लाई फिर करते तो डेज आ जाते डेज आते जितना भी पॉइंट के पहले जो नंबर आता उसको हम डेज में रख देते तो डेज हो जाते लेकिन यहां तो पूरा पूरा 9 साल 6 महीने हो गए 9.5 का मतलब ये हुआ 9 ईयर्स एंड 0.5 का 0.5 इनटू 12 12 मंथ होते हैं एक साल के अंदर तो 12 महीने 12 पंजे 60 6.0 6.0 6 मंथ पूरे पूरे तो 9 साल 6 महीने इसको स्टार्टिंग में भोग्य पीरियड मिलेगा इस कहते हैं भोग्य पीरियड यानी इसको भोगने के लिए उस स्टार्टिंग जो महादशा पीरियड है वीनस का शुक्र का स्वामी तो शुक्र का 20 साल थी उसमें से हमने 9.5 ईयर्स निकाली इस तरह से किसी भी जातक का टाइम पीरियड निकाला था स्टार्टिंग वाला स्टार्टिंग वाला पीरियड जब आपको मिल गया ये 9 जैसे 9 ईयर 6 मंथ मिल गए स्टार्टिंग में उसके बाद में जैसे 9 ईयर 6 मंथ खत्म हो जाएंगे उसके बाद में कौन सा पीरियड मिलेगा वीनस के बाद में सन का 6 साल का सन मिलेगा 6 साल के 6 साल का सन महादशा मिलेगी आगे उसके सन के बाद में फिर मून मिलेगा 10 साल के लिए 7 साल के लिए पूरा पूरा पीरियड मिलेगा बाकी प्लैनेट्स का तो क्योंकि स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है कि स्टार्टिंग में किस प्लैनेट की किस ग्रह की दशा शुरुआत में मिली उसको भोग्य दशा कितनी मिली कितने साल की जैसे हमने यहाँ 20 साल में से उसको 9 साल 6 महीने की मिली क्योंकि उसका जन्म हुआ 8 साइन पास 20 डिग्री 20 मिनट पर हमने ऐसे ही एग्जाम्पल दे दिया कोई सा भी एग्जाम्पल आप इस तरह से ले सकते हैं और टाइम पीरियड निकाल के उस जातक का और उसकी हेल्प से हम उसका टाइम ऑफ बर्थ डेट ऑफ बर्थ जो हमें दिया होता है टाइम ऑफ बर्थ उसके हिसाब से मून का जो लॉन्गिट्यूड डेट के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ उसके हिसाब से मून की पोजीशन आ जाती है मून उस समय उस टाइम पर कितनी डिग्री पर था वो उसको निकालेंगे जातक कैसे और उसको बनाते हैं वो उसका बहुत अच्छा सिस्टमेटिक है ये सब पूरा साइंस है भाई एस्ट्रोनॉमी के लिए तो आप निकाल लेंगे सब इन चीजों को निकाल के जब डिग्री वाइज एग्जैक्टली आ जाता है उसके बाद महादशा निकालना होता है महादशा निकाल करके फिर आप उसका उस जातक की पूरा प्रेडिक्शन करते हैं महादशा को देखते किस दशा किस प्लैनेट की दशा चल रही है इसमें किस ग्रह की दशा महादशा चल रही है उसकी अंतरदशा क्या है प्रतिदशा क्या है कौन कौन सा प्लैनेट चल रहा है इसमें उसको पीरियड को देखते हैं उसके बाद अपने ट्रांजिट देखते हैं गोचर जहाँ गोचर चल रहा है इस समय जो पोजिशन चल रही है प्लैनेट की करंट में इस समय कहाँ चल रहे हैं ग्रह किस किस दशा में किस किस राशि के अंदर एंटर कर रहे हैं किस डिग्री पर है कौन सी राशि में कौन से घर में आपके हॉरोस्कोप के अंदर क्या उसकी प्रॉमिस है हॉरोस्कोप के अंदर क्या उस हॉरोस्कोप को आपको दिया है आपका जन्म है इसके अंदर जिस हॉरोस्कोप आप डिस्कस कर रहे हैं किसी जन्म कुंडली किसी भी जातक की तो उस जातक की कुंडली के अंदर क्या उस प्लेनेट की पोजीशन बहुत अच्छी है खराब है क्या है वो देख करके आप उसका प्रेडिक्शन कर देते हैं कि भाई इसका पीरियड अच्छा जाएगा या खराब जाएगा या मिडिल पर जाएगा या नहीं जाएगा प्लान काम नहीं होगा है ना उसको इस चीज में पिन नहीं मिलेगी इस तरह से पीरियड आपको डिसाइड करते हैं डेस्टिनी
ये डेस्टिनी डिसाइड करने के लिए एस्ट्रोलॉजी की हेल्प ली जाती है. तो डेस्टिनी जैसे प्री डेस्टाइंड एवरीथिंग प्री डेस्टाइंड यस यस ओके. प्रेनेटी कंडीशन को जानना ही तो ये वो है. जैसे